Assalamualaikum, my name is Nayab Saqib Ghani and I'm a student of Shaheed Benazir Bhutto Women University, Peshawar campus. I'm currently studying English literature and I hope you all are doing well. So the topic that is assigned to me today by ECI is youth and the problems that we face. Before starting my video, I would like to thank Sir Haris Ali Dar and Madam Ismat who gave me this amazing opportunity to be a part of this campus engagement program, and last but not the least, thank you so much Sir Bakhtiar and Ma'am Rabia jinhone hamare sath 2 days training session liya tha jisme mein bahut kuch seekhne ko mila tha, and thank you so very much. So starting my video, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, एज़ वी ऑल नो दैट पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन जो है वो यूथ से है, मीन्स 5 out of 3 पीपल आर यूथ, लेकिन ये कंट्री स्टिल सफ़र कर रही है. और सफ़र करने की सबसे बड़ी वजूहत ये हैं कि पावर्टी है, लिटरेसी है, जॉब्स नहीं हैं, और सेक्सुअल अब्यूज़, मिलिस्टेशन, ये सब कुछ इतना कॉमन होता जा रहा है कि हमारा जो मकसद है, हमारा जो मोटिव है पाकिस्तान की अच्छाई के लिए या उसके फ्यूचर के लिए, वो कम दूर होता नज़र आ रहा है हमें. तो इसका सबसे बड़ा हल यही है कि एजुकेट किया जाए सबसे पहले पेरेंट्स को, उसके बाद बच्चों को, क्योंकि दे आर द रीज़न जिनकी वजह से हम स्कूल जाते हैं. तो अगर आप उनको एजुकेट करने की, हमें एजुकेट करने की बजाय उनको एजुकेट करें, तो मे बी किसी हद तक हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एजुकेशन से. सेकेंड जो सबसे बड़ी चीज़ है, आजकल ड्रग्स एंड अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो गया है, ख़ासकर यूथ में. अगर हम लाहौर, इस्लामाबाद इस साइड पर जाएँ तो वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं आपको इन इस तरह की एक्टिविटीज़ में नज़र आएंगे. तो ये माहौल पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि अब पेशावर का माहौल है. पेशावर के, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे ये सब कुछ होता होगा, लेकिन मेजॉरिटी में यहाँ पे कुछ नहीं होता इस तरह से. बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपने माहौल को पॉजिटिव रखा करें, इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना किया करें जिससे आप इफ़ेक्ट होते हैं, आपकी फैमिली इफ़ेक्ट होती है, फिर सफ़र करते हैं आप दोनों. तो इट्स काइंड ऑफ हार्ड फॉर बोथ ऑफ यू. आखिरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि आजकल जो सेक्सुअल हरासमेंट, रेप और मोलेस्टेशन की जो वो है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, और इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहा. बस थोड़े दिन की सोशल मीडिया पे हल्ला गुल्ला होती है और उसके बाद सब कुछ बंद करके ये सारे बैठ जाते हैं. उसके बाद फिर नया केस आता है, फिर थोड़ी टाइम के लिए ये सब कुछ हल्ला गुल्ला करते हैं और फिर बंद करके बैठ जाते हैं. तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि आप जो हैं इसके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लें और पब्लिकली हैंग किया जाए इन लोगों को, बिकॉज़ दे डोंट डिज़र्व टू लिव. क्योंकि एक 6 माह की बच्ची या एक 2 माह की बच्ची, हमारे कपड़ों की वजह से ज़्यादातर कमेंट किया जाता है कि लड़कियां कपड़े इस तरह के पहनती हैं, वो दुपट्टा नहीं लेती, उनके कपड़े छोटे होते हैं. तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप मुझे बताओ कि 4 महीने की बच्ची या 2 साल की बच्ची ऐसे कौन से कपड़े पहनती है कि वो सामने वाले बंदे को ऐसे एक्साइट कर देती है कि वो बंदा उसका रेप करे? मुझे इस एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए. एंड दैट्स इट. As it is Youth Day today, and Happy Youth Day, Happy International Youth Day, and please stay home, stay safe, जब तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो जाता, and good luck.